नमस्कार, मैं मीरा जाटो खबर लहरिया से। आइए 26 अक्टूबर की दिन भर की मुख्य खबरें सुनते हैं। चित्रकूट जिला में डकैतों के चंगुल से गुरुवार की रात छूटे अपहरण सकुशल पहुंचे अपने घर। बीते मंगलवार को नयागांव थाना क्षेत्र के बगदहा घाटी से हुआ था अपहरण। फिरौती देकर ही छूटे अपहरण, पुलिस की नहीं चल सकी गाड़ी। घासी और कानपुर हाईवे पर बड़ा गाँव थाना अंतर्गत एक ऑटो पलट जाने से दो लोग घायल। मौके पर नहीं पहुंची पुलिस। महोबा जिले में सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता से फोन पर एक सिरफिरे द्वारा 3 लाख की रंगदारी मांगने को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अधिशासी अभियंता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वह दूसरे उसे गिरफ्तार कर मामले की जाँच शुरू कर रही है। लखनऊ में अवैध ब्लड बैंक चलाने वाला गिरोह चढ़ा UPST के हत्थे। UPSTF ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। हमीरपुर जिले के मौधा कस्बे में सब्जी मंडी के सभी सब्जी विक्रेताओं ने आज से अनिश्चितकालीन तक सब्जी मंडी बंद करने का किया ऐलान। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक सब्जी मंडी रहेगी बंद। नई दिल्ली CBI के शीर्ष अधिकारी आलोक वर्मा निदेशक के पद पर और राकेश अस्थाना विशेष निदेशक के पद पर बने रहेंगे। उच्चतम न्यायालय में इन विषय पर सुनवाई होने से एक दिन पहले गुरुवार को CBI प्रवक्ता ने यह बात कही। दरअसल दोनों अधिकारियों से सारे अधिकार वापस ले लिए गए हैं। इसके बाद से देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी की तरफ से ये सफाई आई है। कांग्रेस में कई लोगों का मानना है कि अगर राजस्थान में कांग्रेस को विजय हासिल होती है तब मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में अशोक गहलोत राहुल गांधी की पहली पसंद होंगे। जम्मू कश्मीर में शुक्रवार की सुबह सुबह सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। इसमें एक जवान के शहीद होने की खबर आ रही है। मुठभेड़ बालामुरा जिले के सोपोर में हुई है। श्रीनगर स्थित सेना के उत्तरी कमान के प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने 2 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की है। उन्होंने एक जवान के शहादत की खबर को भी सही बताया है। साथ में यह भी जानकारी दी कि अभी मारे गए आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई है, इसकी कोशिश जारी है। केंद्रीय अन्वेषक ब्यूरो CBI ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के इस दावे को खारिज किया है कि रफाल सौदे समेत कई महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित फाइलें एजेंसी के निदेशक आलोक वर्मा के पास विचाराधीन थी। CBI के प्रवक्ता अभिषेक दयाल ने कहा है ये बातें निर्थिक निहित स्वार्थ के चलते गढ़ी जा रही है। CBI के प्रत्येक फाइल का हर स्तर पर पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी प्रमुख दूरसंचार कंपनियां उपभोक्ताओं के सत्यापन के लिए आधार का प्रयोग कर रही हैं। इस कंपनी का कहना है कि आधार कार्ड के जरिए सत्यापन उपभोक्ताओं और उसके लिए सबसे आसान तरीका है। इससे बिना किसी कागज और कम समय में भी उपभोक्ता का सत्यापन हो जाता है। ये रही आज दिन भर की मुख्य खबरें। कल की मुख्य खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।